टेक्स्टिंग से घोस्टिंग तक, डबल टैप से प्राइवेट चैट्स तक, जेन जी के डेटिंग के सारे ट्रिक्स हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं ऑन डेटिंग आजकल, इंडिया का पहला इंटरैक्टिव डेटिंग शो, जहां 10 ब्यूटीफुल स्टनिंग लड़कियां ढूंढ रही हैं अपने परफेक्ट मैच को। लाइक द डेटिंग एप्स, यहां पर लड़की मिलेगी अपने 5 मैचेस, लेकिन अनलाइक द डेटिंग एप्स, यहां सारे इमोशंस और सारा ड्रामा और एक्शंस होने वाला है फेस टू फेस। डेस्टिनी के दरवाजे ने नीत की दुनिया में 2 लड़कों को एंट्री दे दी है। जगह बची है सिर्फ 1 की, लेकिन ऑप्शंस हैं 2। किसे चुनेंगी नीत? ऑलराइट नीत, अब आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड है चूज करने के लिए कि आप इस्माइल और दानिश में से किसे एक्सेप्ट करेंगी और किसे ब्लॉक। ओके, दानिश, आई एम एक्सेप्टिंग यू, प्लीज कम फॉरवर्ड। थैंक यू। मेरे को 1% भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, वो भी सेकंड राउंड से। इवन 7 वाला तो चमन लग रहा था, उसे तो कुछ आता ही नहीं था। दानिश, वेलकम नीत की दुनिया में, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। यस, अब तो मौका मिल गया मुझे अपने आप को जस्टिफाई करने का और नीत को जानने का। आई वॉज हैप्पी दैट आई सिलेक्टेड अमन, आदित्य एंड दानिश, बट समहाउ बैक ऑफ माय माइंड मुझे लग रहा था यार मे बी आई शुड हैव ऑप्टेड इस्माइल, बट आई हैव नो रिग्रेट ऑन व्हाटएवर डिसीजन आई हैव टेकन। कांग्रेचुलेशंस बॉयज, 5 आए थे और अब 3 बचे हैं, इन आगे की जर्नी और टफ होने वाली है। यहां से अगर आगे जाना है तो आप लोगों को फेस करना होगा द टेस्ट ऑफ स्पीड डेटिंग। रेगुलर डेटिंग की तरह ही होता है, लेकिन 10 गुना फास्टर। कम से कम टाइम में आपने एक दूसरे को जानने की कोशिश करनी है। जवाब दो, जस्टिफाई मत करो यार, उसका टाइम बाद में देंगे हम। नीत जी, आपके पास होगा एक बजर। बॉयज, यहां पर आपका चार्म और आपका विट ही है जो आपको बचा सकता है, क्योंकि अगर नीत हुई बोर तो आपको सुनना पड़ेगा बजर का शो और आप हो जाएंगे आउट ऑफ द डोर, मतलब डेट वहीं खलास। एक्साइटेड नीत? वेरी मच। तो नीत, दरवाजे के उस तरफ आपकी मैजिकल दुनिया आपकी वेट कर रही है। ओके, सी यू गाइस। ओके बॉयज, स्पीड डेटिंग के लिए तैयार? यस सर। यही चांस है, इम्प्रेस भी करना है, चार्म भी करना है और बचना भी है। एक एडवाइस दूंगा, एट ऑल कॉस्ट्स अपने सच को ओन करना, सवाल कोई भी हो ऑनेस्ट रहना, झूठ ट्रस्ट में ज्यादा देर तक टिकता नहीं, जब झूठ बाहर आता है ना तो अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप्स भी हिल जाते। ऑल द बेस्ट बॉयज। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करें फिर? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे डर है कि मार ना दे। मेरी बॉडी का तुम्हें सबसे अट्रैक्टिव पार्ट क्या लगता है? जॉलाइन, ठीक है? ओ वाव, पतली नेक और यहाँ जो मूल है। ओके, लड़की शर्मा गई थोड़ी। और तुम्हारी कोई भी वाइल्डेस्ट फैंटेसी जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहोगे? गो ऑन टू द माउंटेन्स, यू हैव टेंट ओपन होगा ऑब्वियसली एंड देन स्लो फॉल हो रही होगी एंड देन यू कैन गेट कोजी एंड डू द स्टफ। Eventually, you can start with a cup of coffee. बैठ कर आराम से कॉफी पी रहे हैं। ये माउंटेन में जाके लूडो खेलने वाला है। ना क्विल्ट में ऐसे रैप कर। मैंने तुम्हें वाइल्डेस्ट पूछा। तू स्टार्ट तो वैसे ही होगा ना एकदम थोड़ी। नहीं नहीं वाइल्ड तो मतलब फिर वाइल्ड यू जस्ट गेट वाइल्ड। सीधा ही चले जाओ। तो फिर तो ठीक है, टेंट ओपन है, बर्फ गिर रही है, आ जाओ देखते हैं बर्फ पिघलती है नहीं पिघलती। अच्छा ये बताओ, तुम पोजेसिव टाइप के बॉयफ्रेंड हो गए? यार अगर तेरे को स्पेस चाहिए तो मैं ऐसे यूजलेसली पोजेसिव नहीं हूंगा। कोई देर में ज्यादा गुस्सा है तो थोड़ा सा होगा कि मैं इसे थोड़ा सा दूर कर, तेरे को ब्लेम नहीं करूंगा उस चीज के लिए। मैं भी जानना चाहती थी कि मैं उसको स्पेस दूंगा आगे जाके या नहीं दूंगा। आई होप उसे पता लग गया होगा कि मैं कैसा हूँ। अरे अभी तुम्हारा कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट है क्या? हाँ 1-1.5 साल पहले था, बट अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। तुम्हारे लिए फिजिकल अट्रैक्शन, स्पार्क या इमोशन क्या जरूरी है तुम्हारे लिए? इमोशन ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इमोशन आपको ना लंबे टाइम तक साथ लेके जाएगा। स्पार्क तो यार अगर बाय चांस गायब हो गई तो कब तक साथ चलोगे? You're very distracted in your life. No, 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 no. I'm at a age जहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ। अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि यहीं जाना है। तो कब डिसाइड करोगे फिर? ये बहुत स्मार्ट लड़की है, साइकोलॉजी के साथ खेल रही है लड़कों के। जैसे विद टाइम बंदा आगे आगे बढ़ता है लाइफ में। ऑन द स्पॉट ऐसे आंसर कर दिया क्योंकि आई वाज क्लियर, मेरे को अपने माइंड में पता था जो बोलूंगा सच बोलूंगा, कुछ इसको घुमाऊंगा नहीं ज्यादा। अच्छा तुम्हारे हिसाब से एक अच्छी फर्स्ट डेट क्या होगी? डिनर डेट विद सम वाइन एंड देन वी कैन गो अहेड, जो जैसे
फील आती है डिनर कॉफी उसके बाद डिनर जब हम करेंगे विल हैव फ्यू ड्रिंक्स विल डांस ऑब्वियसली तुम्हें क्या पता मैं ड्रिंक करती हूं नहीं करती मैं नहीं पीऊंगी आप मत मैं पी लूंगा क्या हो गया तो पूछोगे ना मैं तुम्हें भी नहीं पीने दूंगी फिर तो ठीक है ड्रिंक करने की जरूरत थोड़ी है वी विल हैव अ गुड छोड़ दोगे नहीं किसने कहा छोड़ दोगे तो डिनर करके नॉर्मल विल डांस ना ड्रिंक करने की जरूरत नहीं छोड़ना क्यों है शराब थोड़ी जरूरी है तुम्हारी मम्मी या गर्लफ्रेंड फ्यूचर में कोई आर्गुमेंट हुआ तो किसका साथ दोगे यार देखो जो अपनी जगह सही होगा ना उसका साथ दूंगा शी इज नॉट इंप्रेस्ड आई रियली रियली आई एम इंप्रेस्ड बाय हर स्ट्रेट कट और लड़के कंफ्यूज कर दिए इसने घुमा फिर आगे बातें करोगे बजर बजा देगी बार फेंक देगी मेरा कौन सा ऐसा फिजिकल एस्पेक्ट है जो तुम्हें ज्यादा पसंद है योर आईज आईज बहुत अट्रैक्टिव है यार उसकी आईज इतनी सुंदर थी कि मतलब मुझे सबसे पहले उसकी आईज ने अट्रैक्ट किया था जो मैं मतलब फिसल ही गया था क्या कहती है मेरी आईज मैं एक टाइम के लिए बहुत ही ब्लैंक हो गया था क्योंकि वो मेरे सामने बैठी हुई थी और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी और अंदर से करंट निकल रहा था कि भाई अब क्या बोलूं इस समुंदर में तो मैं डूब नहीं सकता बहुत गहरा है डूब के तो निकल नहीं पाओगे बेटा ये लड़की करंट ही मारेगी तेरे को अगर तुम्हें चूज करना पड़े एक इंडिपेंडेंट लड़की और हाउसवाइफ इंडिपेंडेंट लड़की क्यों क्योंकि उसको अपने डिसीजंस लेने की फुल राइट्स होने चाहिए क्या करना क्या नहीं करना उसको तो हाउसवाइफ भी तो ले सकती है डिसीजंस जो वाइफ्स होती हैं वो अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि क्या करना चाहिए बट मुझे लगता है कि पूछना सही बात है बट अपना भी एक ओपिनियन होना चाहिए अच्छा जी ये जो नीत है ना इसको जो भी जवाब दे रहे हो फिर चाहे आप सोच समझ के एक कंफर्टेबल सा जवाब दे रहे हो शी लुक्स राइट थ्रू देम अगर मैं अपने मेल फ्रेंड्स के साथ रात को पार्टी करने जाऊं तो तुम्हें अच्छा लगेगा हाँ तुम जाना चाहती हो तो मैं इतना ओपन माइंडेड तो हूँ कि तुम्हें जाने दूंगा तो रात को अलाउ कर दोगे तो वहाँ पे स्टे करने के लिए थोड़ी ना करूंगा और तुम्हारे में सबसे बुरी क्वालिटी क्या है मुझे लगता है कि मैं डेटिंग एप्स बहुत यूज करता हूँ अच्छा मतलब डेट कर भी रहे हो हाँ नहीं डेट डेटिंग एप्स पे फिर डेट तो कर ही रहे हो ना तो क्या कर रहे हो फिर वहाँ पे और क्या वहाँ पे लड़कियों की पूजा करते हो तो वाइफ अच्छी बने मेरी नहीं ये लड़की अंगार है तुम्हारी कोई वाइल्डेस्ट ऐसी फैंटेसी कोई ऐसी चीज जो तुम्हें लग रहा हो कि तुम मेरे साथ इमेजिन कर सकते हो मैं दुनिया का ना एक कोना कोना देखना चाहता हूँ वो भी दो टिकटों पे एक मेरी और एक तुम्हारी इसको वाइल्ड की डेफिनेशन समझा दो कोई तुम्हें वाइल्डेस्ट ही नहीं पता कि क्या होता है अगर तुम मेरी बात नहीं समझे छोड़ो टू बी ऑनेस्ट मैं नीत को प्रॉपरली जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि मुझे लगता था कि पहली बार में ही अगर मिलके नीत को मैं ऐसे बोल दूंगा तो नीत को पसंद नहीं आएगा तो वहां पे मैंने अपना एडवेंचरस फैंटेसी बता दी उसको नीत जो है ना वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है लेकिन शी नीड्स अ मैन हु कैन हैंडल हर मुझे लग रहा था कि नीत को कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिल रही थी मेरे आंसर से क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से ही मुझे लग रहा था कि वो सेटिस्फाइड नहीं है और जैसा वो आंसर चाहती है मेरी साइड से वैसा नहीं आ रहा अच्छा तुम ये बताओ हाँ? कि अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ भी करने का फ्रीडम हो है? कुछ भी करने का फ्रीडम हो अच्छा तो क्या करोगे मैं आपको गोदी में उठाऊंगा और मैं भारी बहुत हूँ मैं बॉडी बूडी है मेरी मुझे देखनी है देखनी है नहीं, आप, नहीं, छोड़ो, आप छोड़ो। पे चूज करो हम सब दिखाएंगे आप चूज तो करो हम सब दिखा देंगे बॉडी शॉडी बड़ा रोमांटिक होगा जो 10-15 सेकंड का फेज होगा बट मां कसम यू लव इट ठीक है ओके लड़की शर्मा रही है लड़की को पसंद आ रहा है मैं बता रहा हूँ अच्छा तुम्हारा बेस्ट फीचर क्या है मेरा बेस्ट फीचर यह तीन लड़के आए हैं दो आए थे हाइट ही थी ना दोनों की मेरी हाइट है मेरे साथ चलोगे तुम्हारी भी हाइट है दोनों बढ़िया लगेंगे ये लड़का छा गया जब तुम एक रूम में एंटर करते हो तो लड़कियों पे तुम्हारा क्या इफेक्ट होता है मतलब कि लड़कियां कहती हैं ओह माय गॉड वाओ हैंडसम बड़ा डूड ऐसा कुछ बताया फिर लड़की कहती है अरे यार कहां से क्या लग रहा है अच्छा ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता गोरा चिट्टा हूँ ठीक ठाक हाइट है बॉडी बूडी है तो लड़कियाँ अपने बंदों बैठे होते हैं कहती है सीख इससे कुछ तुम्हें लग रहा है तुम्हारी फिटनेस की वजह से लड़कियाँ तुम से इंप्रेस फिटनेस की बात नहीं है यार जब हम जाते हैं बात बूट करते हैं अच्छा लगता है लोगों को आपको अच्छा नहीं लगा मेरे से बात करते हैं आप 10 मिनट से हंसी जा रहे हो हीमोग्लोबिन डबल हो गया होगा आपका अच्छा ये बताओ तुम लाइफ में तुम्हें कभी प्यार हुआ है हाँ एक बार ही हुआ एक ही बार हुआ हाँ प्यार है कोई वो थोड़ी ना है कि दही रात दूसरे दिन जम के हो गया एक प्यार मोहब्बत वाली ऐसी चीज है यार ये टाइम लगता है बाकी दे रहे हैं आपको मौका देखते हैं मुझे मौका दोनों एक दूसरे को देंगे ना देखो भाई इस पॉइंट तक नीत जो है वो फुली स्मिटन है उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो उसकी स्माइल नहीं रुक रही और तुम ये बताओ कि किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने का एक कोई श्योर तरीका है वो जुबान है जैसे तुम कर रहे हो मुझे है ना देख लो
अच्छा तुम्हें हरियाणवी लड़की पसंद है पंजाबी? मुझे जटनी पसंद है पंजाब की, जिसकी 5-7 हाइट हो, जो मुझे देख के हंसती रहे और उसके दांत अच्छे हो और जो कहे वो आप तो वही हो। अच्छा अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हर हफ्ते क्लब्स में जा रही है, हाँ, पार्टी कर रही है, हाँ, लड़कों को मिल रही है, हाँ, क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हें? नहीं, बट उसकी गर्ल्स भी होनी चाहिए कुछ साथ, ऐसा ना हो कि 6-6 लड़कों से एक लड़की जा रही है, वो बेचारे स्टैग भरते भरते पागल हो जाएगी। मुझे लग रहा नहीं है कि नीत को ये सेशन बंद करना है, यहीं से डेट पे जा रहे हैं मेरे को लग रहा है। आई थिंक सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग स्पीड डेट रही है आज तक, नीत को बहुत मजा आया इससे बात करते करते। मैं तुमसे और नहीं पूछती यार, बहुत पूछ लिया है ना। ओके डन। मैंने स्पीड डेटिंग का कॉन्सेप्ट कभी ना तो सुना था ना मैंने कभी ट्राई किया। आई हैव ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज एक्चुअली अ रियल फन। आई थिंक स्पीड डेट राउंड में मैंने अपने तरफ से बहुत ही अच्छी कोशिश की। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव था आदित्य, उसको पता था बेसिकली एक लड़की को कैसे प्लीज करना है, सो मैं उसकी बातों से बोर नहीं हो रही थी। Having fun? अब मजा आएगा। मजा अब आएगा? अच्छी लग रही हूँ मैं? बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे में क्या अच्छा लग रहा है? सब कुछ। मैं तो पूरा टाइम अपनी तारीफ सुन सकती हूँ, तुम बोलते रहो। मेरा बस नहीं चलता तो मैं मिस वर्ल्ड बना दूँ, और बताओ और क्या करूँ। जब आदित्य अपने तरफ से चीजी लाइंस फेंक रहा था तो वो बहुत ही फनी लग रही थी। अच्छा अपने बारे में बताओ, व्हाट यू डू? यार मैं जो करती हूँ ना अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के लिए करती हूँ, जो मेरे ड्रीम्स है सारे उनके लिए हैं। एक होता है ना कि हाँ यार ये नीत के मम्मी पापा, यू नो कैसे लड़के पसंद है। यार मुझे एक बहुत क्लियर बंदा पसंद है, आई डोंट लाइक द फेक थिंग, कुछ भी। मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसके होते मुझे कोई फ्रेंड की जरूरत ही ना पड़े, दोनों का फ्रेंड वाला बॉन्ड भी लंबा चलता है ना, आई गेस, है ना, वरना बोर हो जाती होगी। हां वही सेम, समझ पहले कितने से बोर हो गई, ओनली टू। वो भी एज तो बताइए आपने, तो लास्ट कब था? लास्ट तो भी 6 मंथ था। एज तो आपने बताई नहीं, तो मूव ऑन हो गई भाई, बात तो करने दे। मैं बैठा हूँ, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा, एक घंटे से बोल रहा हूँ मैं। मेरे साथ जो दोनों कंटेस्टेंट थे बहुत ही अपने आप को ओवर दिखा रहे थे और इसका बेनिफिट मैं ले रहा था चुप होके। अब चलो ठीक है, अब मेरा हो गया बहुत, अब तुम लोग मुझे इम्प्रेस करो। कुछ ऐसी चीज यार जो मुझे लगना चाहिए, ओह माय गॉड। उसने तो कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अच्छा मतलब तुम मुझे सीधी अपनी शर्ट उतार के, यार अगर मुझे नहीं देखना हुआ तो जबरदस्ती तुमने मेरे से पूछा भी नहीं। आई वॉन्ट डांस विद अ नंगा लड़का। इसे कहते हैं बेइज्जती होना, ये पूरी रात रोने वाला है आज। आई कैन हैंड स्टैंड फॉर यू। ओह माय गॉड, अमन वॉज सुपरबली एनर्जेटिक, उसने मतलब हैंड स्टैंड किया, वो हैंड स्टैंड वॉक किया। I was like, यार कि बंदा मतलब इतना फिट। मैं टाइकोंडो का नेशनल प्लेयर हूँ, तो मैं आपको हवा में उड़के दिखा देता हूँ। वाओ यार दिखाओ ना। थैंक यू। मुझे सर्कस वाली फीलिंग आ गई थी, बाय गॉड कोई हैंड स्टैंड कर रहा है, वो कोई किक मार के दिखा रहा है, वो तो भाई इतना वियर्ड हो गया था, मेरे को लगा मेरे मुंह वहां पे ना मार दे। मैं और दानिश डांस कर रहे थे क्योंकि हमको फन क्रिएट करना था और मैंने सोचा दिस इज द राइट मोमेंट टू डू समथिंग रादर देन नथिंग। बंदा फुल फॉर्म में आ गया तो बहुत बढ़िया। मैंने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम कर लो, जब ये थक जाएंगे ना तो मैं अपना 5-6 सेकंड कुछ करके इसको इंप्रेस करके ले जाऊंगा। अच्छा शर्ट उतारो। शर्ट उतारू? हाँ। अरे बड़ी जलीसी हुई थी यार आदित्य को जब मैंने टी शर्ट उतारी थी, उसने सोचा होगा मैंने भी बना रखी है मैं भी उतार ही देता हूँ। फर्क होता है बॉडी से, लड़की तब इंप्रेस होती है जब वो आपको कहे कि तू टी शर्ट उतार, ना कि जब वो आप खुद उतारो। माय गॉड, और उसकी बॉडी अमन से ज्यादा बेटर थी, नो डाउट इन दैट। सही है यार। अच्छा व्हाट इज योर डे टू डे रूटीन, सुबह उठ के क्या करती है? उसकी तरफ देख तो लेने दो, सही लग रहा है। देख ले, अच्छे से देख ले यार। उसे लग रहा था बड़ा कूल बनूंगा, लेकिन एंड में तो वही नंगा वो। Boys and girl, कुछ ज्यादा ही मस्ती नहीं हो रही यहाँ पे? बहुत ज्यादा। Actually यहाँ पे बहुत मजे तो हो रहे हैं, पर मैं सोच रहा था कि मैं आके थोड़ा सा और फन ऐड कर देता हूँ, राइट? बिल्कुल। मुझे एक्चुअली नीत, इन तीनों लड़कों के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जो अब तक आपके सामने नहीं है। Oh my God. नीत, मैं अब 3 स्टेटमेंट्स बोलूँ। Okay. हर स्टेटमेंट यहाँ बैठे एक लड़के का सच है। हाँ। अरे करण सर आप तो हमारी साइड थे, ये क्या कर रहे हो? मेरे मन में ये था कि मैंने सब कुछ बता दिया और जो रह गया है वो कौन सा सीक्रेट है, और वो सुनने को मैं भी बहुत एक्साइटेड था कि पता नहीं क्या ही होगा। सीक्रेट नंबर 1, नीत इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट किया है।
बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई और उस बेस्ट फ्रेंड को आज तक इस बात के बारे में नहीं पता। सीक्रेट नंबर टू, इनमें से किसी ने अपने से 25 साल बड़ी औरत के साथ 1.5 साल तक रिलेशनशिप रखा है। और तीसरा सीक्रेट ये है कि इन तीनों में से किसी एक ने एक्सेप्ट किया है कि वो किसी कमिटेड लड़की को अप्रोच करने में बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करेंगे। जब करण भाई ने सभी के एक एक करके पोल खोली तो सभी के मुंह बंद हो गए थे। यू गाइज अगेन जस्ट चलिए ब्रोकन माई हार्ट। ये तो बता दो किसका सीक्रेट कौन सा है? हाँ, जो पहला स्टेटमेंट बताया था करण ने कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकआउट किया था, बट अपने बेस्ट फ्रेंड को चीट नहीं किया था। वो दोनों रिलेशनशिप में थे, ठीक है, उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। एक दिन ऐसी सीन बना, फ्राइडे सैटरडे था, मेरे पास कोई मैसेज आया, कोई पार्टी थ्रो कर रहा है, लेट्स गो ओवर देयर। हमने बोला चल ठीक है चलते हैं। ठीक है गए पार्टी इंजॉय करते हुए, नॉर्मली बात बात स्टार्ट हुई तो किस तक बात पहुंच गई, वी किस्ड, वी मेड आउट। एक सेम, जब आप आए थे स्टेज पर, जब नीत को पहली बार मिले थे, तो आपने ही ऑनेस्टी और लॉयल्टी के बारे में एक लाइन बोली थी ना, जहाँ पे आपने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीत ने भी बोला था कि उनके लिए ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनको आज तक ये बात नहीं मालूम, नहीं पता। हाँ, सो ये थोड़ा सा क्लैश हो रहा है। नहीं, उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, उस टाइम अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं चीट नहीं करता, आई वॉज प्रीटी मच क्लियर। मेरे मन में बहुत ही हंसी निकल रही थी कि जो लोग अपने आप को बता रहे हैं मैं लॉयल हूँ, मैं ये हूँ, सभी के मुंह बंद हो गए थे, और नीत का तो रिएक्शन ही देखने वाला था। कुछ कहना चाहते हो? अगर किसी कमिटेड गर्ल को अप्रोच करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। उसका रीज़न था क्योंकि अगर कोई कमिटेड गर्ल अगर मुझे बताती है आके कि मैं अपने मतलब रिलेशन में सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मेरे साथ अगर फ्लर्ट करती है, तो अगर मुझे वो लड़की, सामने वाली लड़की पसंद है तो मैं उसके साथ फ्लर्ट करूंगा। कोई सर्विस कॉल रखी है क्या? एग्जैक्टली, तेरा कोई डेटिंग, कोई अलग डेटिंग ऐप तो नहीं चल रहा है यहाँ पे कि जो जो गर्लफ्रेंड्स अपने अपने बॉयफ्रेंड्स से खुश नहीं है वो मेरे पास आए, मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपको भी बहुत खुश रखूंगा। मुझे लग रहा था जब नीत मेरा सीक्रेट सुनेगी तो वो बहुत ही खुश हो जाएगी क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया था और उसको भी ऑनेस्ट लड़के बहुत पसंद थे, पर नीत ने उसको किसी और ही सेंस में ले लिया। हमारे पास प्रूफ है, तूने ही बोला है। सबसे वो सीक्रेट मुझे लगता है कि आदित्य का था और वो नीत को ऐसे दिखा रहा था कि मैं बस तेरा ही हूँ भाई, तेरा ही हूँ। सुनीत, ये हमारा काम था आपको बताना, नाउ यू नो, फिर कुछ लोग माने या ना माने, अब डिसीजन टाइम। यहाँ से आगे आप सिर्फ दो लड़कों को लेके जा सकते हैं, जो भी दो लड़के आपको लगता है कि आपका कनेक्शन बेटर है, आप उन दोनों के साथ दरवाजे के उस पार आ जाइए, एंड ऑब्वियसली तीसरे का साथ यहीं पर छूट जाएगा। एंड आई विल सी टू ऑफ यू ऑन द अदर साइड, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पर तुम लोगों को खुद बात बता देनी चाहिए थी यार, आई मीन अगर ऐसा कुछ भी था ना तो एटलीस्ट। देखो मेरा तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है इन सब चीजों का, क्यों झूठ बोलूंगा। सेकंड चीज ये है कि अगर मैं उस टाइम पे रिलेशनशिप में होता किसी के साथ तो समझ आता कि मैंने चीट किया, दैट वाज कॉमन म्यूचुअल। मैं तो एक बात कहूंगा, उसके साथ रहो जिसके साथ आपको लगे भाई लड़का ओके रिपोर्ट है ना। मैं तो जो हूँ मैंने सामने बता दिया, मैं भी स्वीट इनोसेंट और स्वामी टाइप का बन सकता था पर मैंने कुछ छुपाया नहीं। मैं बिलीव करता हूँ वाइब कनेक्शन में, और अगर कोई रिलेशनशिप में आता है तो इसी के बेसिस पे आता है। मुझे लगता है नीत को थोड़ा सा शॉक लगा था इन दोनों का सीक्रेट जान के, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था। सीक्रेट से गेम पलट गया थोड़ा सा, आदित्य और मेरा डाइसी हो सकता है। कम बैक टुमारो टू फाइंड आउट कि ग्रुप डेट के बाद कौन से दो लड़के जाएंगे वन ऑन वन डेट्स पर।